एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बिनोली में स्थित चोंदा गांव पड़ा। लगभग 7,000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक परिसर से इस गांव की दूरी मात्र 7 किलोमीटर ही है। ग्रामवासियों ने वर्तमान में विनोद कुमार को अपना प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, जिस जिम्मेदारी को वर्तमान प्रधान द्वारा अच्छी तरह से निभाया जा रहा है। लगभग 2700 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गाँव में लगभग 400 राशन कार्ड धारक है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 210 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 250 विद्युत पोल, 13 विद्युत ट्रांसफार्मर व 25 सोलर लाइटें भी लगी हुई हैं तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 50 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 50 नल रिबोर कराए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान ने गांव में खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाला व सीटाइस रोड का निर्माण कराया है तथा वर्तमान प्रधान ने अपनी देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 357 इज्जत घरों का भी गांव में निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में तालाब, शमशान घाट की बाउंड्री, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, खेल का मैदान, पशु चिकित्सालय, बारात घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। शुरू मैं ग्राम प्रधान विनोद कुमार। हमारे गांव में करीब 357 शौचालय बनाए गए, 25 सोलर लाइट लगाई, स्कूलों में पेंटिंग और करीब 9-10 जगह इंटरलॉक लगाई। और अभी हमारे गांव में सबसे ज़्यादा जो है तालाब की खुदाई की, तालाब की गंद, तालाब में बहुत गंदगी है और उनकी सरकार से मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द खुदवाने की कृपा करें। आगे जो बारिश आ रही है उससे घरों में पानी भर जाता है और रास्ते पानी से अवरुद्ध हो जाते हैं। और हमारे जो गांव के शमशान घाट है, शमशान घाट की हालत बहुत ख़राब है, बड़े गंदे हो रहे हैं। उनकी चार दीवारी और उन पर बैठने की बेंच और अंत्येष्टि स्थल बनवाने की कृपा की जाए। और गांव में गांव की आबादी के हिसाब से हमें पैसे की और जरूरत है। मेरे गांव में अभी रास्ते बहुत ख़राब हैं।